नमस्ते एवरीवन, आज जो है पेरेंट्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ईश्वर से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए जो है निभाई, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम एक्सप्रेसिंग हेयर द डीप ग्रैटिट्यूड फॉर देम कि उनकी वजह से आज जो है मैं यहाँ तक पहुँची। तो सबसे पहले आज मैं जो है कुछ बातें जो है अपनी माँ के लिए कहना चाहती हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच अ वंडरफुल मदर। तो मेरी माँ ने मेरा बहुत किया है, बचपन से मेरी माँ मेरे लिए बहुत किया है। इवन कि मैं बड़ी भी हो गई तब भी मेरी मम्मी मेरे लिए करती हैं। जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं अपनी मम्मी को बुला लेती हूँ। मम्मी रहती तो मुझे बड़ा मॉरल सपोर्ट रहता है और मैं बहुत सुकून से सो जाती हूँ, और मम्मी रहती हैं तो मैं सुकून से खाना खा लेती हूँ, तो मुझे सुकून बड़ा रहता है जब मेरी मम्मी मेरे पास रहती हैं। तो मेरी माँ ने मेरा बहुत किया है, छोटे थे तब भी किया, फिर बड़े हुए तब भी किया, शादी हो गई तब भी किया, जब बच्चे होने वाले थे तो मम्मी ने कितना मेरा मदद किया, जब मैं बीमार पड़ जाती थी तो मम्मी मेरा आके करती थी। तो मेरी मम्मी ने मेरा बहुत किया है और आई एम सो ब्लेस्ड, क्योंकि वो भगवान ही जो है एक अच्छी माँ बाप के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, हमारे समक्ष एक अच्छे माँ वो ईश्वर ही जो है एक अच्छे भाई बहन के रूप में आते हैं, वो ईश्वर ही जो है हमारे समक्ष एक अच्छे पति के रूप में आते हैं, एक अच्छी संतान के रूप में जो है भगवान ही हमारे पास रहते हैं। तो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल फैमिली मेम्बर्स। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है पिता जो है कमाते हैं, पिता पैसे लाते हैं, भाई मेरी माँ तो हाउसवाइफ है, शी इज़ नॉट अर्निंग मनी। तो लोग कहेंगे भाई व्हाई यू आर गिविंग सो मच क्रेडिट टू योर मदर, तो व्हाई शुड नॉट आई शुड गिव द क्रेडिट टू माय मदर, क्योंकि भाई आप पैसा ला के ऐसे रख दो, उसको कोई यूज़ करना ना आए, उसको किस तरह से केयर करना है, उसको किस तरह से करना है, तो वो ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो वो जो है वो माँ का काम होता है, और जो है माँ जो है हमें खाना सर्व करती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो आज जो है माँ ने हमें राइट टाइम पे टिफ़िन बना दिया, हमारा राइट टाइम पे हमारा इंटरव्यू था, हमें भेज दिया, हमें जगा दिया, हमें सुला दिया और हमारा सब कर दिया। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जब भी हमें कुछ परेशानी हुई तो हमने अपनी माँ से बात करके बता दिया। तो देखिए कि आज रिश्तों का क्या महत्व है, इस पर मैं आज बात करना चाहती हूँ कि एक पत्नी अपने पति को झापड़ नहीं मारती या थप्पड़ नहीं मार सकती, लेकिन एक माँ जो होती है अपनी संतान को थप्पड़ मारती है। एक पत्नी जो है अपने पति को कुछ नहीं कहती है, लेकिन एक माँ जो होती है अपने बच्चों को बोल लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे मेरा हक है। लेकिन वो औरत और वो जो फीमेल है वो अपने पति पे हक नहीं जता पाती, लेकिन वो जो है हक अपनी संतान पे पूरी तरह से जताती है। आप देखिए, दिस मेक्स अ डिफरेंस। और कहा जाता है कि माता पिता के कर्मों का फल जो है संतान को भुगतना पड़ता है, और संतान के कर्मों का फल जो है माता पिता को चुकाना पड़ता है। तो ये सब वाइस वर्सा है, इसलिए कहा जाता है सत्कर्म करिए तो बच्चे भी अच्छे रास्ते चलेंगे, और बच्चे अच्छे रास्ते चलेंगे तो माँ बाप के लिए भी अच्छा ही रहेगा, तो उनके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए हमने कितना कुछ अभी गुरु पूर्णिमा पर हमने बात करी, तो आज हम रिलेशनशिप पे भी हमने कई बार बात की है। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक परिवार है, सपोज़ दैट उस परिवार में संतान ने यदि दो टाइम खाना नहीं खाया, या किसी माँ ने खाना नहीं खाया, पत्नी ने खाना नहीं खाया, पत्नी के पास कुछ चीज़ों की कमी है, तो उसका कोई नोबडी इज़ बॉदरिंग अबाउट दैट। और लेकिन यदि ये पता लग गया किसी को कि इनके बीच में रिलेशन नहीं है, तो देखिए everyone taking so much interest in that, पूरा ख़ानदान को जो है बड़ी परवाह हो जाती है, पड़ोसियों को परवाह हो जाती है, लोगों को बड़ी परवाह होती है। तो रिलेशनशिप इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो आप इस पर कुछ भी बात करें तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है। यूजली क्या होता है कि किसी घर में कुछ अनबन होती है तो यूजली जो फीमेल्स होती है ना उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है गॉसिप करने में, और मेल्स को भी आता है कि भाई इनके घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सब बातें होती हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आज बच्चे की फ़ीस जमा नहीं हुई, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है कि बच्चे की फ़ीस नहीं जमा हुई, लेकिन माँ बाप में रिलेशन नहीं है, दे आर वेरी कंसर्न विद दैट। अब उसके लिए लोग कहेंगे इनके पास आप जाइए, इनके पास मिल लीजिए, आप इनको दिखा लीजिए, अब आप इस तरह से बोलोगे। और आज जो है पति गार्जियन बना बैठा रहता है पत्नी का, और पति जो भी दुराचार करता है या पति भी उल्टा सीधा जो करता है उसका गार्जियन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसका गार्जियन कौन, ही विल टेक द डिसीजन ऑफ फीमेल्स, व्हाई नॉट फीमेल्स कैन नॉट टेक अ डिसीजन फॉर मेल्स। तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ऊपर से
बच्चे भी आजकल कितने मेच्योर हो जाते हैं कि वो कहते हैं अरे मम्मा पापा इज़ नॉट इन रिलेशनशिप। तो इस तरह से बच्चों को भी नर्चर किया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है कि देखिए ऐसे होता है। तो द फूड इज़ वेरी सेकेंडरी थिंग, वी आर चेजिंग टूवर्ड्स द फूड। तो आज तो लोग बोलते खाना मत खाइए, आप खाना भाई कब क्या खाएं, भाई लोग कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा दिन भर खाते रहे। अब बताइए दिन भर आप 24 घंटे किचन में बने रहिए, नाश्ता लाइए, फिर दोपहर का लंच लाइए, फिर शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना, मतलब दिन भर यू आर फुल्ली ऑक्यूपाइड इन द किचन एंड ऑल। भाई आप ऐसा करो थोड़ा थोड़ा ना खा के आप एक टाइम खाना मत खाओ और दो टाइम खा लो, तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन आई थिंक। इससे हमारे स्टमक को आराम भी मिल जाएगा और सेल्स को भी आराम मिल जाता है। अब देखिए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए तो किसी ने पूछा नहीं भाई आप क्यों नहीं घूमने गए, लेकिन लोगों को बस एक ही बात की बड़ी परवाह होती है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, लाइफ कितना कुछ है परवाह करने के लिए, लेकिन उसकी परवाह नहीं लोग करते हैं। और परवाह अपनी एनर्जी हम कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो ये सब बातें जो थी बहुत महत्वपूर्ण होती। तो माँ जो है निभाना जानती हो, पति के साथ भी निभाती, संतान के साथ भी निभाती, अपने ससुराल के साथ भी निभाती और मायके के साथ भी निभाती। लेकिन अब सदियों से जो कुछ चला आ रहा है, अब भाई हर चीज़ में आप अपडेट दे रहे हो, आप जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिफरेंट अपडेट्स दे रहे हो, आप न्यूज़ में अपडेट्स दे रहे हो, आप मूवीज़ में अपडेट्स दे रहे हो, तो वाई नॉट अपडेट्स मस्ट बी हियर, तो यहाँ पर क्यों नहीं अपडेट्स होनी चाहिए। तो ये सब चीज़, ये सब बातें जो होती देखनी होती हैं कि इसको कैसे जो है सॉर्ट आउट करना होता है। अब देखिए जो है हम लोग जो है घर में जो है वही, अब मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए बात की थी कि मैनेजमेंट पे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए सभी को हेल्पिंग हैंड चाहिए। अब यूजुअली क्या होता है, कुछ तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना अपने फ़ायदे के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं और उनको देखिए, अब आपने देखा होगा बच्चों से लोग काम करवाते हैं और क्या बोलते हैं कि खुद काम नहीं करते। देखिए ऐसे घर में क्या होता है, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो ये इस तरह की सोच से क्या होता है, इस तरह से होता है। कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो खुद कष्ट में रहते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर देते हैं, तो देखिए आज उनका भी भविष्य अच्छा हो जाता है। तो हर तरह की मेंटालिटी के लोग हैं, कुछ लोग तो बच्चों को छोड़ ही देते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, बच्चे पैदा किए और छोड़ दिए, कोई मतलब नहीं है। तो कुछ लोग संतान किसी वजह से पैदा करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही पैदा हो जाते हैं, तो ये सब बातें रहती हैं। तो ये माता माँ बाप और संतान दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से पूरा परिवार बन रहा है, इसी से पूरा वृक्ष बन रहा है। और वृक्ष की जड़ें यदि मजबूत नहीं होती तो वृक्ष जो है दो मिनट में गिर जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है संस्कार हमें देनी है। संस्कार क्या है, संस्कार जो होते हैं हमारे जड़ है, हमारी रूट्स हैं, एक मजबूत जो है स्टेम है, तना है, जिससे कि हमें जो है नरिशमेंट मिलता है, हमें जो है बहुत ज़्यादा उसे हमें जो है पोषण मिलता है। अब आज का क्या है कि भाई जैसी थाली आई नहीं सामने कि लोग टोकने लगते हैं, ये क्या खा लिया, ये क्या खा लिया, ये खा लिया। भाई भगवान ने जो दिया आप शांति से सबसे चुपचाप खाइए और चुपचाप खाइए। देखिए सब कुछ, कुछ लोग तो देखिए रोटी चाय खाते हैं, कुछ लोग घी नमक रोटी खाते हैं, किसी के पास इतना कुछ इतना खा रहे हैं, लेकिन टोका टाकी नहीं होती। कहते रहे जब व्हेन यू सर्व, तो आपके अंदर एक डिवाइन बींग, आप उसको खाना सर्व करते हो। जब आपके पास खाना आता है तो आप उसको देखिए, उसको नमस्कार करिए, उसको खाइए, और जिस गृहिणी ने बनाया उसने जितना दिया उसको खा लीजिए। अब भाई कोई इतना तो होगा नहीं कि आपको दस रोटी दे देगा, कभी खा लो ऐसा तो होता नहीं। भाई नॉर्मली लोग दो देंगे, तीन देंगे, चार देंगे, इस तरह से ही होता है। अब भाई किसी की डाइट भाई एक ही, तो भाई ठीक है, जिसको पता लग जाता है कि किसकी कितनी डाइट है तो उसके अनुसार काम जो है उस तरह से परोसा जाता है। लेकिन ये सब गलत है। जब भी खाना आपके सामने सर्व किया जाए उसको आप नमस्कार करिए। पहला जो बाइट लेते हो उसमें हमेशा अन्नपूर्णा जी का जो है धन्यवाद करा जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है, फिर आप खाइए। और ये जो भूख है ना, ये सब भगवान की दी हुई होती है। कभी हमारे पास इतना सारा रखा रहेगा हमें भूख नहीं लगेगी, और कभी जो है कुछ थोड़ा ही सा आप खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा, कभी आप इतना सारा खा लोगे तो भी आप भूखे रह जाओगे। तो ये सब जो है ये सब डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। कभी कभी हमारे पास इतना कुछ है लेकिन हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे होते, और कभी हमारे पास इतनी इच्छा है यूज़ करने की लेकिन हमारे पास होते ही नहीं है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देर आर लॉट ऑफ मैनी थिंग्स टू डिस्कस हियर। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज देखिए मैं कितने सारे वीडियोस डालती हूँ, तो आप उसका व्यू टाइम देखिए, वॉच टाइम देखिए, आप देखिए लोगों का इंटरेस्ट कहाँ लाइक करता है। लोगों को देखते हैं नमक मिर्च मसाले में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई लड़ाई हो रही होती है वहाँ पर घी तेल का काम करते हैं लोग, वो लड़ाई भड़का देते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, चीज़ों को सबसाइड करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग से उसको रेक्टिफाई करना चाहिए।
और रहेगी बात उस ईश्वर को पाने की, भाई मोक्षा क्या है, मोक्षा क्या है, मोक्षा पे कितनी बार हमने बातें की हैं, अब भगवान हमें कितना कुछ देता, भाई मोक्षा का मतलब ये तो नहीं कि 40 करोड़ पॉपुलेशन उस सबसे आप मिल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ बेटर टू मर्ज विद द गॉड बिकॉज गॉड इज़ इन एवरी वन। तो इट इज़ बेटर टू आप भगवान से के साथ अपना यूनियन कर लो, इट मीन्स कि यू हैव यूनियन विद ऑल और यू हैव वननेस विद ऑल। तो यही होता है। अब मोक्षा क्या भाई, जहाँ पर हम कह दें कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, ये आई डोंट लाइक दिस, और भगवान ने कहा ऐसे करना है, ये अपॉर्चुनिटी दे दी है, जहाँ पर हमें हमने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं ये काम हम नहीं कर सकते, तो वहीं पे ही जो है हमें भगवान जो है मुक्त कर देते हैं, वहीं पे लिबरेट कर देते हैं, वहीं पे हमें मुक्ति मिल जाती है, भगवान हमें शांति देते, पीस देते हैं। और जो है जो भी उत्तरदायित्व है, जो आपकी लिमिट्स हैं, जिसमें आपको सेटिस्फैक्ट्री लगे, आप देखिए कुछ लोग की एनर्जी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होती है, धीमे धीमे शाम होते होते एनर्जी बहुत कम हो जाती है, बहुत ही टायर्डनेस आ जाती है, फिर नेक्स्ट डे वी रिपेयर, किसी किसी का इतना होता है कि उसका मन ही नहीं कर रहा होता है। तो ये सब होता है, सबका अपना अपना है, किसी का कि भाई बहुत ज़्यादा करना है, किसी कुछ लोग कहते हैं भाई हम इसी में खुश हैं, हम इतने में खुश रहेंगे। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट बातचीत होती है। पेरेंट्स डे है तो उसमें माँ बाप का बहुत क्रूशियल रोल होता है। अब यदि बाप अच्छा नहीं है तो माँ क्या करेगी, और यदि माँ अच्छी नहीं तो बाप क्या करेगा, तो दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट्री रोल होता है। और यहाँ पे पिता का काम होता है कि पैसे की व्यवस्था करना, उस पैसे को सुचारू रूप से लगाना, वो जो होता है माता का कार्य होता है, और जो है बच्चों को समझाना, संस्कार। देखिए पैसा सेकेंडरी है, यदि आपने संस्कार नहीं दिए तो ये पैसा सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, यदि संस्कार दिए हैं तो ये पैसा फ्रूटफुली यूटिलाइज होगा। आपको लगता होगा कि मैं खाने को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, कि हर वक्त खाने की बात करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है भाई, खाना भी सेकेंडरी है। आज हमें इस काबिल बनना है कि हम खाने का इंतज़ाम कर सकें, हमें अपने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो जो है अपने लिए एटलीस्ट खाने का इंतज़ाम कर सके, एटलीस्ट दूसरों के लिए ना कर सके, अपने लिए तो कर सकें, हमें उन्हें इस काबिल पढ़ाना लिखाना है कि वो अपने लिए कुछ कर सके। मेरी तो आदत है कि मुझे कोई फेवर करे, अब ये मैं सोचूं कि मेरा बेटा मुझे फेवर करे तो मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाऊँ, तो मैं कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाती हूँ। और जो है मैं बच्चों को इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया है, अटैचमेंट डिटैचमेंट पे हम बात कर रहे थे, तो मेरा बचपन से मैं अनंत आकाश को मैं इस तरह से प्रिपेयर करती हूँ, मैं दोनों बातें बताती रहती हूँ, खाना भी खाते खाते उनको बता देती हूँ, देखो ऐसे है, फिर अनंत से भी बोल देती हूँ, देखो अब ये है, ये जाके जरा लेके आओ, केले लेके आओ, अपने पैसे से लेके आओगे, अपनी पॉकेट मनी से लेके आओ, जरा दाल खरीद के लाओ, तुम्हें पता होना चाहिए दाल कितने रुपये किलो, तुम्हें पता होना चाहिए तेल कितने रुपये किलो है। तो बच्चों को छोटी छोटी जो है शॉपिंग कराइए, बच्चों के लिए खुद से जाएँ सामान लेके आएँ, और जब बच्चे खुद से परचेजिंग करेंगे तब उनको समझ में आएगा। वो जो होता है ना शॉपिंग मॉल में जो बिल क्रिएट हो जाता है, आज किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि शॉपिंग मॉल में जो बिल जो है उसको हम लोग टैली कर लें, टैली भी नहीं कोई करता आजकल, इतना टाइम नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाता है, फिर धीमे धीमे अदा होता रहता है और डिज़ायर फुलफ़िल होती रहती है। तो बच्चों कहिए कि बार्गेनिंग करते हैं, और धनिया मिर्ची में बार्गेनिंग होती है लेकिन शॉपिंग मॉल में बार्गेनिंग नहीं होती है। और जो है उनको सिखाइए कि आप जाइए चीज़ों को खरीदिए, जब उनके पास 500 रुपये होंगे और 800 रुपये की चीज़ खरीदनी होगी तब उनको समझ में आएगा पैसे की क्या वैल्यू है। तो बच्चों को इसी तरह से सिखाया जाता है, और बच्चों को हमेशा बिल्डअप करना सीखिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे बाबा थे तो मेरा नाम राधा, तो मुझे हमेशा रधवा कहते थे, तो मैं हमेशा जो है मेरे अलार्म वही थे, मैं कहती थी, मैं बोल देती थी बाबा मुझे पढ़ना है सुबह, मुझे जगा दीजिएगा 1 बजे, मेरे बाबा मुझे जगा देते थे, और मैं कभी अलार्म से तो उठी नहीं, मेरी अपनी खुद की सेल्फ जो है नींद होती है, मैं अपने आप से उठती हूँ, और मुझे यदि कहीं जाना है या कुछ भी मेरा एग्ज़ाम है तो मेरी नींद अपने आप खुल जाएगी, और यदि मुझे पता है कि कल ऐसा कुछ खास नहीं है तो मैं आराम से सोती हूँ। तो और यूजली मेरे बाबा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ खरीदते थे, याद है आपको 5 रुपये का आता था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, तो मेरी आदत है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ने की, तो मैं पढ़ती थी, मैं जाती थी कॉलेज वगैरह लौटते वक्त एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेके आती थी, मैं पढ़ती थी। मेरा एक फ्रेंड था, मैं ऐसे हॉस्टल में थी, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ती थी, तो वो कहता था 4 बजे उठ के कोई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ता है, तो ये इस तरह से लोग जो है बातें करते हैं। तो भाई हमारे जीवन में हमें तो यही था किसी तरह हमारी नौकरी लग जाए, किसी तरह हमारी जॉब लग जाए, वी मस्ट अर्न सम मनी, सो हम अच्छे से अपने आप को कुछ अपना अच्छे से अपने लाइफ को चला सकें। तो हर जगह पैसे की नीड है भाई, आजकल तो पानी भी मिलता है कि 20 रुपये का बॉटल मिल रहा है पानी का, तो माचिस की एक तीली भी जो जाइए आप तो जो है 10 रुपये का माचिस मिलता है। तो आज सब कुछ जो है पैसे पे निर्भर करता है। अब पहले देखिए ऋषि मुनि होते थे हाथ में अग्नि ऐसे डेवलप कर लेते थे, ऐसे कर लेते थे, अब देखना पड़ेगा उस तरह का अपने आप के अंदर डेवलपमेंट लाना पड़ेगा।
तो यही मैं बता रही हूँ कि आज हमारे घर में कूलर है लेकिन कूलर में पानी भरने वाला कोई नहीं है। आज हमारे घर में इतना सब कुछ है लेकिन नोबडी इज़ देयर टू मेंटेन इट। इतने सारे हमारे पास डोर मैट्स है लेकिन डोर मैट्स को क्लीन करने वाला कोई नहीं है। लोगों के पास इतनी सारी बेडशीट है, बेडशीट को क्लीन करने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी बातें रहती हैं। वी हैव 2, 2, 3 वो वॉशिंग मशीन, बट वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने वाला कोई नहीं है। वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लग गए तो निकाल के फैलाने वाला कोई नहीं है। फिर वही बात, आप परमानेंट सर्वेंट की बात कर रहे हो। आप एवरी टाइम सर्वेंट नहीं होता, बच्चे ऐसे ही बिगड़ जाते हैं। बच्चों को कम से कम कुछ काम करना आना चाहिए, बच्चों को काम करना आना चाहिए। इतनी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती है बच्चों को, और बच्चे यदि आज करना नहीं सीखेंगे तो कल वो अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। तो इन सब बातों का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो मैं हमेशा ही बहुत ब्लेस कहती हूँ अपने आप को। मुझे एक अच्छी माँ मेरे भगवान जी ने दी है, और मेरी मम्मा जो है मेरा बहुत करती है। अभी भी मेरी मम्मा 70 ईयर्स की हो रही है, बट स्टिल शी डू लॉट ऑफ वर्क। जो काम मैं नहीं कर पाती मैं कहती प्लीज़ आप कर दो। अब जैसे मुझे चावल बीनना है ये सब अच्छा नहीं लगता है, मैं करती हूँ। जब मम्मी नहीं होती तो मैं करती हूँ, मैं एक करके रखती हूँ, लेकिन मुझे ये सब काम पसंद नहीं है। मुझे किचन के काम पसंद नहीं, लेकिन तो भी मैं करती हूँ। मुझे मतलब मैं करती हूँ। जैसे कुछ है बोरियाँ खाली करनी है, या कुछ है कुछ ऐसे बीनने का काम होता है, स्टिचिंग का काम होता है, तो मैं ये सब नहीं करती हूँ। लेकिन फिर मैं मम्मी से कहती हूँ मम्मी तुम कर दो फिर, या मैं टेलर को दे के आऊँ। कभी कभी क्या होता है कि हम चुटपुट लगाना है, पतला का शर्ट में जो है आप मैं जो है कुछ ख़रीदा मैंने कुर्ता, ऊपर से मुझे चुटपुट लगाना है, तो भाई मम्मी प्लीज़ लगा दो। तो इस तरह पर्दे हैं थोड़े से लंबे हो गए तो भाई थोड़ा सा तुरपन कर दो। तो ये सब मम्मी लोग करती है स्टिचिंग का काम। पहले मम्मियाँ क्या करती थी, सब कुछ सिलसिल के पहनाती थी। मेरी मम्मी हाथ से स्वेटर बिन के हम लोग पहनते थे, और मम्मी हमारे कपड़े फ्रॉक सिल देती थी हमारे लिए। आजकल तो सब कुछ जो है डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड, हम सब बाज़ार से ख़रीद रहे हैं। आजकल बच्चों की फ़्रॉक से लेकर एवरीथिंग हम बाज़ार पर डिपेंडेंट हैं। तो यही है कि आज सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया, सब कुछ डिपेंडेंट ऑन द मनी, मनी ट्रांजैक्शन पे हमारी लाइफ चल रही है, और हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे। आज की माँ भी आलसी हो गई, उसे लगता है कि पिज़्ज़ा आ जाएगा बच्चे खा लेंगे, ऑर्डर करो तो सामान हो जाएगा, कौन किचन में गर्मी में खाना बनाएगा। तो यही सब बातें हैं। लेकिन मेरी माँ ने मेरा किया है, मेरी माँ ने मुझे हमेशा प्यार से खाना खिलाया है। मेरी मम्मी हमेशा मुझे मेरे टेबल पे खाना दे देती थी, मैं पढ़ती रहती थी, तो ऑलवेज ये मेरे माइंड में है। शी केयर्स मी अ लॉट, और उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है, लेकिन मैंने शायद उनका ध्यान नहीं रखा है, इस तरह से होता है। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जब आप व्हेन यू केयर समवन ना, तो नोबडी विल फॉरगेट यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आप सभी को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि लोगों को बड़े मज़े आते हैं जब किसी का घर टूटता है। लोग घर जोड़ने की बात नहीं करते, लोग तोड़ने में बड़े मज़े आ रहे होते हैं। लेकिन मैं बस यही कहती हूँ कि जैसे सोल रियलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, गॉड रियलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट, तो इंट्रोस्पेक्ट में क्या भाई हम सोच रहे भाई ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ, अच्छा इस वजह से ये, तो दिस इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। तो हमने कहा भाई ठीक है ऐसा चेंज करके देखते हैं क्या होता है। तो वही मैं चाहती हूँ कि एवरी वन मस्ट रियलाइज, जब पूरी मदर अर्थ जो है रियलाइजेशन स्टेट में आएगी, तभी जो है ये कॉन्शियसनेस जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, और इसी तब कॉन्शियसनेस जो है प्यूरीफाई होगी। तो यहाँ पर हमें इन्हीं सब बातों को ध्यान रखना है, जिससे कि एक नए युग की हम शुरुआत कर सकें। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। देखिए प्रिपरेशन हो गई है, सब मैंने तैयारी कर ली है, बस मुझे पूजा करना है, और ये सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। भगवान को माला अर्पण कर दी है, भोग रेडी हो गया है, और सब कुछ तैयार है। और यहाँ पर खड़ी हो, यहाँ पे गुरु पूर्णिमा। देखिए प्रिपरेशन हो रही है, डेकोरेशन की तैयारी चल रही है। सारे फ्लावर्स मैंने वॉश करके रखे हुए हैं, और ये मैं प्रिपेयर कर रही हूँ रंगोली, और ये भी प्रिपेयर हुआ है। मेरी मम्मा मेरी बहुत हेल्प करती है, आई एम सो हैप्पी विद माय मदर। मेरी मम्मा ने बचपन से मेरी बहुत मदद की है, मेरी मम्मा मेरी हर काम में जो है बहुत मदद करती है। मैं आज बहुत जल्दी उठी थी, मैंने वीडियो भी पोस्ट किया, और फिर जो है मैंने सारी तैयारी करी है अर्ली मॉर्निंग। अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं भी तैयार हो गई हूँ, और बस मैं पूजा करने जा रही हूँ।